इस वीडियो में क्लास सिक्स के आईसीटी का चैप्टर सिक्स के इंटरनल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है एनीमेशन इन स्लाइड सो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका डिफाइन कस्टम एनिमेशन कस्टम एनीमेशन क्या होता है आंसर कस्टम एनीमेशन मेक आवर स्लाइड्स मोर एक्साइटिंग बाय अप्लाइंग सम मूवमेंट टू द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स यूज इन द स्लाइड तो कस्टम एनिमेशन एक तरह का ऐसा एनिमेशन होता है जिसमें हम लोग एट्रैक्टिव किसी भी एनिमेशन फ़ीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं और इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो बहुत ही एट्रैक्टिव दिखेगा हमारा एनीमेशन जो है उसका मूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा क्वेश्चन टू डिफाइन स्लाइड एनिमेशन स्लाइड एनिमेशन क्या होता है आंसर स्लाइड एनिमेशन आर अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑन अ सिंगल स्लाइड सच एज टाइटल चार्ट सेप और इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट तो स्लाइड एनिमेशन जो होता है एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हर एक स्लाइड में हम लोग अप्लाई करते हैं जैसे मान लीजिए टाइटल हो गया चार्ट हो गया सेप हो गया या बुलेट्स पॉइंट हो गया ये सारे में हम लोग स्लाइड एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में टाइटल में अप्लाई कर सकते हैं सेप्स में अप्लाई कर सकते हैं जो टेक्स्ट लिखा होगा उसमें अप्लाई कर सकते हैं यानी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने अप्लाई किया है टेक्स्ट को सेप्स को वो सारे में स्लाइड एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन थ्री नेम द डिफॉल्ट कस्टम एनिमेशन इफेक्ट तो आपका आंसर हो जाएगा एंट्रेंस एनिमेशन क्वेश्चन फोर नेम एनी फोर कस्टम एनिमेशन इफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंट्रेंस इम्फेसिस एग्जिट और मोशन पाथ ये आपका फोर कस्टम एनिमेशन का नाम है इसके अलावा भी और भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन फाइव व्हाट इज द यूज ऑफ इफेक्ट टैब आंसर हो जाएगा यूजिंग दिस टैब वी कैन चूज द डायरेक्शन और साउंड टू प्ले वेदर टू डीम और हाइड द ऑब्जेक्ट आफ्टर एनिमेशन एंड वेदर टू एनिमेट द टेक्स्ट ऑल एट वंस और वर्ड बाय वर्ड और लेटर बाय लेटर तो इफ़ेक्ट टैब के मदद से हम लोग डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं साउंड को प्ले कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं शो कर सकते हैं इवेन आप किसी भी लेटर को वर्ड को एनीमेट कर सकते हैं